हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई अल्लाह दी कसम वाली गल है, तुती उठिया बाल खिल रहे ने। ऑल नाइट पबजी ओनली, नो बैड स्टफ। सो एज यू नो, दिस वीडियो इज अबाउट माई गेमिंग पीसी / एडिटिंग पीसी। लेकिन उस चीज के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन स्टोरी बताना चाहता हूँ। इस वीडियो का मुझे ऐसे ख्याल आया क्योंकि मैं जब भी इंस्टाग्राम खोल रहा था आज, मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नेगेटिविटी, सुसाइड्स, कोरोना, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, ये वो सिर्फ ऐसे पोस्ट मेरे सामने आए थे। एंड आई फेल्ट एज अ क्रिएटर कि मैं शायद अपनी एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँ ताकि उससे आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाएं और शायद आप भी कुछ बड़ा करें इस दुनिया में। लाइक भी इतना बड़ा नहीं किया लेकिन यू नो स्टार्ट किया हुआ। तो मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स नो दैट आई रन अ स्टोर कॉल्ड एज द फ्लो स्टोर ऑन इंस्टाग्राम। अब वो दिखने में कोई इतना बड़ा स्टोर लगता नहीं है, 1200 फॉलोअर्स हैं, इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है ये वो, बट आप ये पीछे चीज देख रहे हैं, ये सब उसकी वजह से आया, मेरा कैमरा, ये सब उसकी वजह से आया। एंड द परफेक्ट थिंग इज कि जो मैंने वहां से कमाया वो मैं एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन माई इक्विपमेंट, बिकॉज व्हेन आई डू शूट्स एटसेट्रा उसकी थोड़ी लाइक मेजर एडिटिंग होती है, तो हमें उसके लिए ये चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है, मशीन इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसके अलावा कैमरा का अच्छा रिजल्ट हो तो हमें वो भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसमें से कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करती है स्टोरी। सो 3 years back आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल इमाद बुखारी के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 30,000 सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं। हम इससे बहुत ज़्यादा कर सकते थे अगर कुछ हर्डल्स बीच में ना आती, लेकिन मैंने उस हर्डल्स को क्रॉस किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं हमेशा उसके ऊपर काम करता। वेरी ऑनेस्ट, एट अ पॉइंट ऐसा आ गया था आई डिडंट हैड अ लैपटॉप, पीसी, कुछ भी। दोस्त के कैमरा से एडिट करता था, दोस्त के कैमरा से शूट करता था, ये वो सब। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, एंड एज इमरान खान सेज, घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। इफ़ यू कम टू पॉइंट नंबर टू, वो ये है कि आपके पास जो अभी टाइम है, विच इज़ लाइक द समर, कोरोना ब्रेक, ये वो, इसमें यू कैन प्लान द बेस्ट थिंग्स फॉर यू कि तुमने आगे फ्यूचर में करना क्या है। अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो लाइक आई स्टार्टेड इन ऑगस्ट, ऑगस्ट से पहले मैंने अपनी समर वेकेशंस में थी पूरी प्लानिंग की थी कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टोर। सब छोड़ दो, व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल इट वॉज समर ब्रेक, मेरी समर ब्रेक थी, मुझे कुछ नहीं पता था मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। मुझे तब सिर्फ फोटोग्राफी का शौक होता था, एक गंदा सा कैमरा होता था मेरे पास जिसके ऊपर ऑटो फोकस भी नहीं था, मैं ऐसे ऐसे करके उसको रिकॉर्ड करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर अपने फ़ोन से ब्लॉग्स बनाए, काफ़ी टाइम अपने फ़ोन से वीडियो शूट की। तो इस बात का मकसद सिर्फ यही है कि आप जब एक दफ़ा एक चीज़ स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप समवेयर, ये आपके भाई का। खैर, ये थोड़ी सी मोटिवेशन वाली टॉक थी, अब हम आते हैं वापस अपने मशीन पीसी की तरफ। स्टार्ट करते हैं कि ये मशीन है क्या। अगर बात की जाए गेमिंग की तो मुझे गेमिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बस सारी रात पबजी खेलते रहते हैं मोबाइल पे, और मोबाइल हमारे पास भी थोड़ा अच्छा है, उसके ऊपर अल्ट्रा HD पे पबजी चल जाती है तो हम खुश हैं। लेकिन द मेन स्टफ व्हाई आई नीडेड अ पीसी वाज बिकॉज आई हैड टू एडिट। नाउ पीपल से कि यार एडिट तो i5 प्रोसेसर पे भी हो जाता है, HP का कोई भी लैपटॉप हो जाता है, लेकिन इन माई एडिट्स दिस इज बेसिकली माई इन्वेस्टमेंट इन माई प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट्स का ये सीन होता है कि आपको उसमें थोड़ी हाई एंड एडिटिंग चाहिए होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं, ये वो, तो उसको रेंडर शेंडर करने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपने बहुत लो एंड एडिटिंग करनी है तो मैं आपको ये पीसी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ बजट हो जाता है, क्योंकि मुझे 100K प्लस कॉस्ट किया था। एंड स्पेशल थैंक्स टू हुर अब्बास जिन्होंने मेरी मदद की इसमें बनाने की, एंड गेमर्स एंड गीक्स जो है पी सेंटर में। तो आप लोगों ने कभी पीसी बनवाना हो तो देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उनके पास जाएं और अपना सेक्सी पीसी बनवाएं। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि एक्चुअली इस पीसी में क्या क्या लगा। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं पता था अगर हुर भाई ना होते, मुझे बस इतना पता है कि इसमें 1060 Ti का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, उसके अलावा जिसकी रैम है दैट 16 GB, और मुझे बस इतना पता है कि इसके ऊपर आफ्टर इफेक्ट्स, पबजी, फोर्टनाइट, हर किस्म की जो भी मैं गेम खेलता हूँ वो चलती है, GTA 5 भी बहुत अच्छी चलती है, प्रीमियर प्रो तो ऐसे भागते हैं, लेजिट रेंडर मेरी, अगर मेरी यूट्यूब वीडियो है इट रेंडर्स इन 4 मिनट्स, लेजिट 4 मिनट्स में 1080p आपके बिल्कुल डेस्कटॉप पे पड़ी होगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये इवन डिस्क्रिप्शन में भी होंगी कि हमारा पीसी क्या है, कैसे है, क्यों है। एंड एक और चीज़ ये है कि जो मेरी केसिंग है उसमें बिल्कुल भी बत्तियाँ बुत्तियों वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि मैं इतना कूल बॉय नहीं अभी बना।
सून टू बी बन जाऊंगा क्योंकि दिस रूम इज रेनोवेटिंग टू। तो इस बात का मकसद सिर्फ ये था कि दैट इफ आई एम 17 ईयर ओल्ड मैं अपने कमाए हुए पैसों से एक इतनी बड़ी चीज ले सकता हूँ। एंड इस पीसी के अलावा इसमें स्पीकर्स है, LED स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा डाटा स्टोरेज लगवाई है, एक्स्ट्रा 1 TB हार्ड ड्राइव ली है। तो दिस ऑल कॉस्ट मी अराउंड 1,40,000 रुपीज़। तो मैं बस आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू फोकस ऑन समथिंग यू कैन अचीव व्हाट यू वांट, और इफ़ यू वांट कि मैं इस तरह और वीडियोस बनाऊँ जिसमें अपनी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि क्वारंटीन में और कुछ है नहीं करने को, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बाकी PC हमारे पास है, कैमरा भी अब हमारे पास है, तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता। सो डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस वांट टू सी नेक्स्ट इन कमेंट्स बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड फ्लो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।